ये है हमारा टॉमी, टॉमी साहब ये खेल रहा भाई भाई, मस्ती ले रहा। आजा टॉमी साहब आजा ले, कौन सी नस्ल का है ये टॉमी? अब पता नहीं यार इन लोगों का है, हम तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी मस्त हूँ, गुड, एकदम वेल। और गाइस आज संडे को आप लोगों को पता ही है कि ब्लॉग ही बनाते हैं हम, ब्लॉग बनाने का मौका मिल जाता है हमें एक संडे का। तो संडे ऐसा होता है कि आज जो ब्लॉग है, ब्लॉग में अपने बिस्तर से ही इंट्रो शुरू कर रहा हूँ। तो बिस्तर से इंट्रो शुरू हो रहा है, तो बाकी बाद में बाद का जो व्यू है, बाहर का जो व्यू होगा मेरा, वो दिखाएंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। और आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, लास्ट का ब्लॉग मेरा कुछ आया नहीं, इसलिए नहीं आया क्योंकि लास्ट टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए बन नहीं पाया। तो आज जो मेरा ब्लॉग रहेगा, ब्लॉग में दिखाऊँगा क्या क्या रहता है और मज़ा आ जाएगा वीडियो में। और देखो गाइस ऐसा होता है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, मतलब जो ये रेड बटन होता है ना, रेड बटन, इस रेड बटन को दबा दो यार, कुछ नहीं है, फ्री का बटन है एकदम, बिल्कुल नो कॉस्ट, नो GST, नो SGST, कुछ नहीं लगता, बस आप दबा दो इस बटन को और सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर भी कर देना ज़रूर करके। तो गाइस चलो चलते हैं अभी, और ज़्यादा टाइम में ख़राब नहीं करता ऑडियंस का, और चलते हैं अब लोकेशन पे और निकलते हैं, कहीं ना कहीं हम निकल पड़ेंगे, बस कहीं ना कहीं जाएंगे आज। तो चलो चलते हैं, आज का जो व्यू है दिखाते हैं, ठीक है, तब तक के। बाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो मॉर्निंग में इंट्रो तो शूट हो गया, ये अपने नितिन भाई है साथ में, जो नाइट की राइडिंग है हमारी आज, नाइट की राइडिंग ना, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कम ही जाएंगे, मतलब मसूरी वाले रूट पे जाएंगे, मैगी पॉइंट। हमें अभी जस्ट हम राजपुर रोड पे हम जाएंगे, अब मैगी पॉइंट जाएंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे क्या पता मसूरी भी पहुँच सकते हैं आज, ऐसा भी तो हो सकता है। निकल पड़े हैं हम एक नाइट की राइड, नाइट राइड है देहरादून का, व्यू दिखाएंगे आप लोगों को मज़ेदार। वीडियो में बने रहो, वीडियो को देखते रहो, बस वीडियो का मज़ा लेते रहो आप, बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना ज़रूर करके, ठीक है। अभी चलते हैं हम, ये नज़ारा कुछ इस तरह से है हमारा, ये दिलेराम चौक पे है इस टाइम, अभी टाइम हो रहा है 8:08 हो रहे हैं, अभी 8:08 हो रहे हैं, टाइम इस तरह से, मार्केट कुछ इस तरह की है बनी हुई है दिलेराम चौक पे, और मार्केट बहुत सुंदर है। राजपुर रोड पे तो खैर वैसे भी नज़ारा औसम ही आता है, क्योंकि चहल पहल अच्छी रहती है इस रोड पे, और मसूरी के लिए टूरिस्ट काफ़ी जाती है यहाँ से, तो हम भी इसी रूट पे निकल रहे हैं आगे। चलो चलते हैं अभी, और वीडियो का मज़ा लेते रहो, वीडियो में बने रहो, आगे क्या क्या होता है नाइट में, चलते हैं आगे। गाइज अभी यहाँ पैसिफिक के जस्ट सामने पहुँचा था मैं, सामने पहुँचा नितिन भाई साथ में ही है, और हम दोनों खिलाड़ी निकल पड़े हैं रात की राइडिंग पे। रात की जो राइडिंग है हमारी कुछ इस तरह की है, राजपुर रोड पे है ना, राजपुर रोड पे
खचाखच जाम लगा रहता है। मतलब आज संडे को काफ़ी टूरिस्ट जाती है मसूरी के लिए, मसूरी में जाते हैं लोग घूमने के लिए, तो संडे है, संडे को काफ़ी लोग जाते हैं, तो आते वक्त काफ़ी भीड़ थी, अभी तो कम हो गया। बाकी नज़ारा कुछ इस तरह का है यहाँ पैसिफिक मॉल के पास, पैसिफिक का जो दृश्य है कुछ इस तरह का है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे ये मेन रोड है, राजपुर रोड, काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। और बात की जाए अगर पैसिफिक की, पैसिफिक यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे पैसिफिक, ये यहाँ पे पैसिफिक मॉल देहरादून, और यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी सुंदर। रात को शायद उतना कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बाकी दिन में बहुत ही अच्छा दिखता है। और हम और आगे निकल पड़ेंगे इस रूट में, आगे सीधा जाएंगे, सीधा और सीधा क्या पता मसूरी पहुंच सकते हैं। मसूरी के लिए तो देखो टाइम लग जाएगा, बाकी आधे रूट तक तो हम पहुंचेंगे ज़रूर, और आधे रूट का दृश्य दिखाएंगे आज का। और चलो चलते हैं फिर आगे, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे निकल पड़ते हैं। और लास्ट पेट्रोल पंप मिलता है यहाँ का देहरादून का, आगे यहाँ पे हमें पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पेट्रोल पंप है यहाँ के मार्केट में जो इधर है देहरादून की तरफ, तो काफ़ी मिलेंगे आपको। बाकी यहाँ के मसूरी के लिए लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा यहाँ पे, रास्ते में ही मिलेगा, ये रास्ते में मिल जाता है पेट्रोल पंप, यहाँ पे लास्ट एंड पॉइंट पे मिलेगा ये पेट्रोल पंप। और जो ये रूट जा रहा है सीधा रूट, ये मसूरी के लिए रूट जा रहा है, मसूरी के लिए जो रास्ता जा रहा है और ये देहरादून के लिए जा रहा है, हम इस रूट में जाएंगे, आगे जाएंगे हम। और रात को बहुत अच्छा लगता है, रात को ड्राइविंग करना, रात को घूमना, रात को हम घूमेंगे और जाएंगे आगे, आगे का व्यू दिखाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, किस पॉइंट तक पहुँचते हम आज। और जो व्यू है ना, व्यू यहाँ कुछ इस तरह का आ रहा है अभी, लोकेशन बहुत सुंदर है। यहाँ पे पेट्रोल पम्प, यहाँ पे अपनी बहन है पीछे खड़ी, बाकी पेट्रोल पम्प यहाँ लास्ट है, थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लिया यहाँ पे, फिर निकलते हैं आगे। बाकी ठंड भी अच्छी हो रही है, ठंड मस्त हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कुल मिला के। फिर हम जाएंगे, देखो ऐसा होता है ना, दिन में थोड़ा सा बिजी थे, दिन में बिजी होने की वजह वीडियो शूट नहीं कर पाया मैंने, अभी थोड़ा निकलते हैं, रात का व्यू दिखाते हैं कैसा रहता है रात का व्यू, आज रात को वीडियो शूट कर रहे हैं हम। चले भाई नितिन भाई, चलो चलते हैं फिर। तो दोस्तों नज़ारा कुछ इस तरह का है यहाँ पे, ये आधे रास्ते में है हम अभी ना, आधे रास्ते में बोले तो यहाँ पे जगह है ये आपकी मसूरी रोड पे ही है, जस्ट जो मंदिर पड़ता है शिव मंदिर, उससे शिव मंदिर है ना सामने जी, शिव मंदिर के आगे हैं हम जस्ट अभी। बाकी बैकग्राउंड में ये देखो देहरादून कितना मौसम दिखता है रात को, यहाँ पे अभी पेड़ आ रहा है, देहरादून का जो व्यू है रात का कुछ इस तरह सा दिखता है ना, खतरनाक व्यू दिख रहा भाई देहरादून में, इस तरह से दिख रहा है कुछ प्रॉपर, सबसे टॉप पे है ये, पता नहीं कहाँ होगा ये देहरादून में, सबसे टॉप पे इधर दिख रहा है। और इधर ये होटल है, यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं अभी, थोड़ा ठंड भी लग रही थी। हम जो मेन रोड जाता है, मेन रूट पे है अभी, मेन रूट पे है अभी, मेन रूट पे इस तरह से हैं भाई साहब, हमें चाय बना रहे हैं बढ़िया सी, और ये मेन रोड जा रहा है इस तरह से, कुछ रोड जा रहा है, गाड़ियाँ जा रही है, काफ़ी सारे लोग गए हुए हैं आज मसूरी के लिए, काफ़ी तादाद में अभी आज लोग गए हुए थे, जाम पर जाम, जाम पर जाम लगे हुए हैं हर जगह, क्योंकि ऐसा होता है ना संडे को काफ़ी लोग जाते हैं, संडे को काफ़ी लोग जाते हैं, तो इसीलिए जाम काफ़ी था, रश ज़्यादा रहता है। और नाइट व्यू ऑफ देहरादून का नाइट व्यू ऑफ देहरादून मेरा रहेगा, यही टॉपिक रहेगा, नाइट व्यू ऑफ देहरादून का ये पीछे रहेगा नाइट व्यू। तो इस लोकेशन पे हम आए हैं अभी, चाय की चुस्की ले रहे हैं, ठंड भी हो रही है, ठंडा क्योंकि मसूरी रोड पे तो ठंड होती है, जाहिर सी बात है।
ठंडा भी हो रहा है और चाय भी ले रहे हैं। रात के अभी बज रहे हैं 9, नज़ारा कुछ अलग है, अच्छा लगता है। मतलब कुल मिला के मतलब रात की जो सहर होती है ना, सहर मज़ा ही आ जाता है रात को। मतलब ये नहीं है कि रोक टोक होता, अपना निकलो, टाइम से जाओ, टाइम से आओ, पर ये है कि कोई दिक्कत नहीं है। इतनी वाई लगे हुए हैं फ़ोन में, हम चाय की चुस्की ले रहे हैं। बाकी ये है कि रात को मज़ा आ जाता है भाई। क्यों भाई? जी भाई जी, बिल्कुल कुल मिला के मज़ा आ जाता है रात को। अभी डिनर का प्लान है, कहीं डिनर पे भी देखना है, कहीं डिनर का क्या सीन है, क्या बनता है। अरे मत मारो यार उसको, उतर। अच्छा चाय। तो दोस्तों अभी जैसा कि हम मंदिर में भी प्रवेश कर चुके हैं, जो राजपुर रोड पे ही पड़ता है, मसूरी रोड पे शिव मंदिर पड़ता है। नितिन ने अभी घंटी बजा दी है, हम भी बजाएंगे घंटी और मंदिर के भी दर्शन करेंगे। हम आज नाइट में अभी दर्शन कर रहे हैं और मंदिर की जो घंटी है, घंटी भी बजाते हैं। बाकी काफ़ी सुंदर मंदिर है यहाँ पे, मंदिर कुछ इस तरह का, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर से हमें प्रसाद भी मिल गया, दर्शन हो गए, दर्शन भी हो गए, और यहाँ की जो लोकेशन है बहुत ऑसम है, काफ़ी अच्छा है। अंदर जो मूर्तियाँ हैं ना, मूर्तियाँ कुछ इस तरह की है। यहाँ पे मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हो रहा है, काफ़ी वेराइटीज़ में यहाँ पे मूर्तियाँ अवेलेबल है, इतनी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, इतनी सारी मूर्तियाँ हैं अवेलेबल है। दोस्तों आज का जो मेरा व्यू था, आज व्यू मेरा इतना ही रहेगा, क्योंकि जो समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, घंटी बजा दी हमने और हम मंदिर के दर्शन हो गए, और बाकी अभी निकलते हैं वापसी देहरादून, क्योंकि रात बहुत हो गई है, 9:30 बज गए हैं। रात को घूम लिए हैं, आज जो भी घूमना था वो घूम चुके हैं। बाकी अब निकल पड़ते हैं वापसी, और बाकी अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। रात का जो व्यू था हमारा इतना ही रहेगा, बाकी निकलते हैं अब, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।